दोस्तों इनकम टैक्स फाइलिंग कोई बड़ा महाभारत नहीं है दोस्तों, 26S और फॉर्म 16 में वेरिएशन है। तो आपको अभी किसके हिसाब से इनकम टैक्स भरना चाहिए? मैं ये बताया कि हर एक जवान अपनी अलाउंस की पैसा कहाँ पर डाल सकता है, अपने अगर फैमिली बच्चे किराए पे रह रहा है तो हाउस रेंट किधर किस तरीके से डाल सकता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर में देखिए रिफंड आया है मेरा 36,490 रुपीज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूथ आर्मी, द ड्रीम्स ऑफ यूथ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ई फाइलिंग यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और DSC में काम करने वाला जितना भी अपना भाई बंधुगण है उनको किस तरीके से फाइलिंग करना इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली बताया, और ख़ास करके मैं इस वीडियो को इंडियन आर्मी का हर एक जवान को डेडिकेट करना चाहूँगा। दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मकसद यह है जो दोस्तों इंडियन आर्मी का हर एक जवान जो अपनी ईमानदारी से पैसा कमाता है और जो TDS वो भरता है वो अपनी ईमानदारी का पैसा है, और हर साल देखा गया दोस्तों जवान अपनी पैसा खुद का पैसा खुद रिटर्न करने के लिए ना जाने कितना सारे एजेंट को कभी 10% कभी 15% कभी 20% कमीशन देके अपनी ईमानदारी से कमा हुआ पैसा को रिटर्न करवाता है। दोस्तों इनकम टैक्स फाइलिंग कोई बड़ा महाभारत नहीं है दोस्तों, आप अपनी खुद का फाइलिंग खुद कर सकते हैं, और देखा जाए तो बहुत सारे जवान अपना खुद का फाइलिंग खुद कर रहा है और आराम से रिटर्न ले रहा है। कोई महाभारत नहीं है दोस्तों, इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान तरीक़े से आप अपनी रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध करूँगा, जो अगर आपको मेरा वीडियो देखना नहीं है तो मत देखिए, परंतु इस वीडियो का अगर देखना है तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी लाइन अगर आपने स्किप कर गया तो शायद आपसे फाइलिंग नहीं हो पाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं ये बताया कि हर एक जवान अपनी अलाउंस की पैसा कहाँ पर डाल सकता है, अपने अगर फैमिली बच्चे किराए पे रह रहा है तो हाउस रेंट किधर किस तरीके से डाल सकता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर को उसको डालना है, अपनी इंश्योरेंस का पैसा, अपनी प्रोविडेंट फंड का पैसा अगर डालना है तो किस कॉलम में डालना है, मैं इस वीडियो में डिटेल में बताया, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को सरल और आसान बनाने के लिए मैंने दो हिस्सा में बनाया, दो हिस्सा मतलब एक ही वीडियो में है। पहला 2 से 2.5 मिनट जो मैंने वीडियो का बनाया जिसमें आपको ई फाइलिंग वेबसाइट में मतलब इनकम टैक्स जो इंडिया की वेबसाइट है उसमें रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है वो बताया, और 2 से 2.5 मिनट के बाद आपको एक्चुअल फाइलिंग प्रोसेस मैंने बताया। अगर आपने खुद रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो दोस्तों आपको पहला 2.5 मिनट देखने का ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आप कैसे ई फाइलिंग करना है आप देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। मैं वादा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद का फाइलिंग खुद आसानी से कर पाओगे। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है, उसके बाद सर्च बॉक्स में सर्च करना है ऑनलाइन ई फाइलिंग। ओके, ऑनलाइन ई फाइलिंग में क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स इंडिया का जो ऑफिशियल साइट है आपके सामने आ जाता है, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद आप न्यू यूज़र है तो पहला ऑप्शन रजिस्टर रिवर्सल पर क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर रिवर्सल पर क्लिक कर दिया उसके बाद आपके पास आता है यूज़र टाइप, आप किस टाइप का यूज़र है, हम इधर चूज़ करेंगे यूज़र टाइप इंडिविजुअल, अदरवाइज आप हिंदू, अनडिविडेड फैमिली, HUF, एक्सटर्नल एजेंसी बहुत सारे आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू, जैसे कंटिन्यू के पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपने आपका पैन नंबर, सन नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और रेसिडेंशियल स्टेटस डालना है। पहले पैन नंबर डाल दीजिए, उसके बाद अपना सर नेम और मेन नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और आप रेसिडेंट, क्लिक करके कंटिन्यू। उसके बाद आपका कुछ डिटेल है इसमें भरना पड़ेगा, जैसे अपना ऑलरेडी भरा हो तो आ ही गया, उसके अलावा आपका जैसे प्राइमरी ईमेल आईडी, सेकेंडरी ईमेल आईडी, लैंडलाइन नंबर, फैक्स नंबर, प्राइमरी मोबाइल नंबर, सेकेंडरी मोबाइल नंबर वगैरह डालना है। पासवर्ड भी इधर सेट करना, अभी हम पासवर्ड सेटअप करेंगे। पासवर्ड मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड व्हिच शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड फिगर्स। ओके, उसके बाद आपने इसमें अपने पासवर्ड रिकवर करने के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन है, हम जैसे इधर सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करेंगे, व्हाट इज़ योर मदर मेडिन नेम, मतलब मेरा मम्मी का शादी से पहले, तुम्हारे मम्मी का शादी से पहले क्या नाम था, वो नाम डालेंगे। 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, दोनों आप भरना है, और इनकेस अपने अपना पासवर्ड कभी भूल गया तो उससे रिकवरी कर सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं अभी दूसरा जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो हम भरेंगे, पहले इसको डाल लेते हैं अपनी मदर का नेम।
दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, आप आराम से देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद फाइलिंग कर सकता है। अभी दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन है। दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन में हम चूज करेंगे व्हाट इज योर पेट नेम, अदरवाइज देयर आर मेनी क्वेश्चंस यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी। ओके, तो मैं अभी अपना पेट नेम डालूंगा। ओके उसके बाद आप देख सकते हैं लैंडलाइन नंबर, फैक्स नंबर भी आप इसमें डाल सकते हो, आप डालना चाहे तो प्राइमरी मोबाइल नंबर, और प्राइमरी मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू मतलब किससे बिलोंग्स करता है, आपसे या दोस्त से, जो भी है आपको एक एक करके इसमें सब कुछ भरना है। उसके बाद कंटिन्यू, जैसे ही कंटिन्यू करोगे इसमें देखना दो OTP भेजा गया है, जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, वो दोनों OTP इसमें डालने के बाद उसके बाद कन्फर्म करना है। अभी दोनों OTP अपना मोबाइल नंबर और अपना रजिस्टर ईमेल आईडी पे आया हुआ, दोनों OTP डालने के बाद कंफर्म करते आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है। और इसके बाद हम दिखाएंगे अभी ई फाइलिंग किस तरीके से करना है। ऐसे ही अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद आपकी दोस्तों आप हम दोबारा ई फाइलिंग की वेब पेज पर जाएंगे, जैसे ऑनलाइन ई फाइलिंग। ओके इनकम टैक्स। दोस्तों जो ऊपर में जो पेज आया हुआ है इसको आप क्लोज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे कि हमने देखा है जो ई फाइलिंग के होम पेज में जाते ही हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है, तो इसलिए अभी जो तीन ऑप्शन है इसमें जो रजिस्टर यूजर है उसकी जगह पर हम क्लिक करेंगे लॉग इन हेयर, तो इसमें क्लिक करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है। जैसे हमने क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज जो ओपन हुआ जिसमें आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यूज़र आईडी आपका जो पैन कार्ड है वही आपके यूज़र आईडी है, और पासवर्ड जैसे कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने क्रिएट किया वही आपका पासवर्ड होगा। तो अभी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दिया, अभी उसके बाद कैप्चा डालने के बाद अभी इधर एक ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन, तो लॉगिन पर क्लिक करना है। दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका जो पर्सनल इनकम टैक्स में जो प्रोफाइल बना हो उसके अंदर एंट्री हो जाता है। इसमें अगर आप अपडेट कर, इसमें अपडेट मांग रहा है, अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज आप इधर स्किप और अपडेट दो ऑप्शन है, आप स्किप करके नेक्स्ट पेज में जा सकते हो। जैसे हमने स्किप किया, इसके बाद दोस्तों मैं आप सभी से दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं जो अभी जो वीडियो आप सभी को अभी सबसे शेयर करने जा रहा हूँ आप इसको ध्यान से देखिएगा, प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरा इस वीडियो को देखना नहीं है तो मत देखिए, अगर आप देख रहे हो तो आपसे अनुरोध है आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू देखिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसका हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी लाइन स्किप कर गया तो आप शायद ई फाइलिंग नहीं कर पाओगे, और मैं इस बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से बताऊंगा, डीपली बताऊंगा, शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया। दोस्तों इसमें आप देखिए, इसमें दो ऑप्शन है, एक है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और दूसरा व्यू रिटर्न्स पब्लिक फॉर्म्स। व्यू रिटर्न्स पब्लिक फॉर्म्स है जो अभी तक आपने इनकम टैक्स फाइलिंग किया पिछले साल तक, जैसे ये फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है तो 2018 और 19 तक ने आपने जो फाइलिंग की इसमें मिलेगा। अभी नया फाइलिंग करना है तो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। दोस्तों मगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने से पहले मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप सभी के पास अभी फॉर्म 16 है, परंतु फॉर्म 16 ही सब कुछ नहीं है, आप पहले अपना 26AS चेक करना है। 26AS ऐसा चीज़ है मतलब जो आपका रिकॉर्ड है, आपका कंसर्निंग जो आपका 10 होल्डर है जिसने आपसे इनकम टैक्स डिडक्ट किया है, परंतु उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को CPC को कितना दिया है वो भी आपको चेक करना जरूरी है। और इसमें कभी कभी होता है आपका फॉर्म 16 और 26AS में भी वेरिएशन आता है, तो उस टाइम आपको किस तरीके से भरना है वो भी मैं साथ साथ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स फाइलिंग करने से पहले ऊपर देखिए एक ऑप्शन है माई अकाउंट, इसमें क्लिक कीजिए। इसमें जो पहला ऑप्शन है व्यू फॉर्म 26AS, तो सबसे पहले इसमें क्लिक कीजिए। जैसे आपने उसके बाद 26AS की पेज हमारे पास ओपन हो जाता है, उसके बाद उसको कन्फर्म करना है। जैसे कन्फर्म किया दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो, इसमें जो स्क्वायर बॉक्स है इसमें क्लिक करना, उसके बाद प्रोसीड करना।
प्रोसीड करने के बाद आप देखो इधर दो हाईलाइटेड ऑप्शन है कि व्यू टैक्स क्रेडिट और दूसरा है ई वेरीफाइड सर्विसेज ऑन ट्रेसेस। ओके, व्यू टैक्स क्रेडिट इसमें क्लिक करना है जिसमें फॉर्म 26S है। अभी इसमें आपको देखना है कौन सा साल का आपको 26S देखना है। जैसे मैं अभी 2019 और 20 का फाइलिंग करने जा रहा हूँ तो मुझे 2019 और 20 का, इसमें आप अगर पीडीएफ फॉर्मेट में चाहे तो उसमें भी डाउनलोड कर सकते हैं, और देखना चाहते हो तो इसमें व्यू पब्लिक डाउनलोड में क्लिक करना है। दोस्तों जैसे हमने व्यू पब्लिक डाउनलोड पर क्लिक किया, आप इसमें देख सकते हो जो इसका टोटल पेमेंट क्रेडिट हुआ है वो है 8,08,332 रुपीज़, और टोटल जो टैक्स डिडक्ट हुआ 37,491। ये है 26S में जो इनके डिटेल है। अगर आप अभी फॉर्म 16 की ओर देखो, मैं फॉर्म 16 दिखाता हूँ जिसमें आप देख सकते हो जो फॉर्म 16 में उसका टोटल पेमेंट है 7,68,322 और टोटल टैक्स जो डिडक्ट हुआ है 37,613। देखिए आप इधर दोनों में वेरिएशन है, 26S और फॉर्म 16 में वेरिएशन है। तो आपको अभी किसकी हिसाब से इनकम टैक्स भरना चाहिए, आपको 26S के हिसाब से ही भरना चाहिए क्योंकि वो एक एक्चुअली डिटेल है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचा हुआ है। अगर 26S के हिसाब से आप भरोगे तो आपका कोई रिजेक्शन, कोई नोटिफिकेशन, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं आएगा। तो मैं आपसे अभी बताऊंगा जो आप 26S के हिसाब से ही भरिए। अभी नेक्स्ट आपको बताएंगे जो किस तरीके से करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट अपना पुराना पेज में आ जाइए, इनकम टैक्स की पेज में आ जाइए। ओके, अभी फाइलिंग कैसे करना है वो दिखाना है। आप इसमें दोबारा डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए। अभी इसमें जैसे मैंने पहले बताया था फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ये जो पहला ऑप्शन है इसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करते आपका रिटर्न वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब इसमें जैसे पहला पैन कार्ड नंबर आपको ऑटोमेटिक आ गया, उसके बाद असेसमेंट ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर का भरना है। अभी असेसमेंट ईयर 2019-20 भरना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कौन सा भरना है, आईटीआर 1, क्योंकि जितना भी सर्विंग पर्सन है जिनका सिर्फ सैलरी बेस्ड इनकम है उसको आईटीआर 1 ही भरना पड़ता है, तो हम क्लिक करेंगे आईटीआर 1। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिजिनल ऑब्लिक रिवाइज रिटर्न, अगर आपने ओरिजिनल भर रहा है तो ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न दोनों के लिए सेम ही है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन प्रिपेयर्ड एंड सबमिट ऑनलाइन अपलोड XML, हम अभी ऑनलाइन सबमिट करने जाएंगे तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करते हम नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं और उसके बाद जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है आप आराम से पढ़ लीजिएगा इंस्ट्रक्शन को। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ एरो है, आपको नेक्स्ट पेज में जाना है तो आप एरो पर क्लिक कीजिए। एरो पर जैसे ही क्लिक करते हो जो डिटेल आपने एरो पर क्लिक करते जो डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाला था सभी डिटेल आपका ऑटोमेटिक आ गया, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, सब फर्स्ट जो है जितना भी आपका प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाला था वो ऑटोमेटिक आ चुका है। अभी नेक्स्ट इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, देखिए इसमें एक ऑप्शन है नीचे फाइल्ड यू ऑब्लिगेस, इसमें आपको क्या करना है 139 विदिन ब्रैकेट 1 डालना है। अगर ये हम बिफोर डेट सबमिट कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है 31 जुलाई है लास्ट डेट है, तो हम बिफोर डेट कर रहे हैं तो इसलिए ये ऑप्शन पर जाएंगे। और दूसरा एक ऑप्शन है जिसमें इसमें आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको जो क्लिक करना है, जिसमें आप जैसे गवर्नमेंट सर्विस है तो गवर्नमेंट सर्विस का गवर्नमेंट को क्लिक करना है। ये दो ही ऑप्शन इसमें इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको कुछ चेंजमेंट करने का ज़रूरत होता है, और आगे ऊपर आपको कुछ भी मोबाइल नंबर आधार नंबर का चेंज क्योंकि जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वही करता है, अगर एड्रेस वगैरह आपको कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगेन नीचे जो ग्रीन कलर के एरो है उस पर क्लिक कीजिए।
अभी नेक्स्ट पेज में हम चले जाते हैं। अभी इसमें क्या है, आप थोड़ा ऊपर देखिए, ध्यान से देखिए, पहले इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन, जो आपका पर्सनल डेटा था हमने ही भरा है, उसके बाद कम्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स, ये मेन इंपॉर्टेंट पेज है जिसमें आपके इनकम और टैक्स डिटेल भरना है, उसके बाद टैक्स डिटेल आएगा, उसके बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, वे डोनेशन 80G और डोनेशन 80GGA, हर चीज़ को आपको भरना पड़ेगा। अभी जो ये इम्पोर्टेंट पेज है, जो कम्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, इसमें आप देखिए सबसे पहले ग्रॉस सैलरी, अभी ग्रॉस सैलरी आपका कितना था, जैसे 26 में हमने देखा था 808,332, तो हम इसमें डाल देते हैं। ओके, जैसे हम ग्रॉस सैलरी डाल दिया तो इसमें आपका आ गया ग्रॉस सैलरी 808,332 रुपीस। ओके, उसके बाद आप एक ऑप्शन इसमें देखिए, नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंसेस डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। बहुत सारे आर्मी में अलाउंसेस है जो आपके लिए टैक्स एग्जेम्प्टेड है, तो वो अलाउंसेस आप इसमें डाल सकते हो, जिसमें हमने क्लिक करने के बाद जो मैं जिसका भी मैं भरने जा रहा हूँ उसके अलाउंसेस जो है 10.14.2 में आप इसमें देखते हैं, प्रिस्क्राइब अलाउंसेस और बेनिफिट ग्रांटेड टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट और टू कॉम्पेंसेट हिम फॉर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो ये है जो 14.2 मेरा जो कैंडिडेट है उसके हिसाब से एप्लीकेबल है, तो मैंने इसमें डाल दिया और उसका टोटल अलाउंसेस जो है 180,000। तो आप इसमें क्या है, अभी ऑटोमेटिक सब कुछ कैलकुलेट हो जाता है, जैसे हमने डेटा डाल दिया इसके बाद अब देख सकते हो ऑटोमेटिक माइनस हो गया, अलाउंसेस माइनस कर दिया। उसके बाद आप सीधा आपकी अगर अगर अदर कोई सोर्स ऑफ इनकम है, आप इसमें एक एक करके आपको डालना है, आपको अगर अदर कोई सोर्स ऑफ इनकम है, अगर नहीं है तो उसके बाद देखिए सीधा आता है 80C वाला चैप्टर है, जो एग्जेम्पशन वाला चैप्टर है, सबसे पहला आता है 80C के अंदर आपका जितना आपने जैसे APPF फंड जो आर्मी वाले है APPF फंड और दूसरा जो PPF फंड में जो इन्वेस्ट करते वो है, लाइफ इंश्योरेंस है, उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड सब्सक्रिप्शन ऑन सर्टेन इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स, ये सब आपको आता है इसमें। तो इसमें क्या है, आपको 150,000 तक ही मिलता है, आप भले ही जितना कटा मगर आपको एग्जेम्पशन जो है 150,000 तक ही मिलता है। तो हम इसमें, मेरा इस क्लाइंट का 150,000 तक ही है, तो हम इसमें 150,000 डालेंगे। ठीक है, तो इसका अगर अच्छा प्रैक्टिस करना है तो सबसे बढ़िया है आप बीच बीच में इसमें देखिए, ऊपर और नीचे दो ऑप्शन है सेव ड्राफ्ट, तो आप इसको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करते रहिए ताकि आपका अगर लॉग आउट हो जाए तो आपका वो डेटा सेव रहेगा। इसमें हमने अभी 80C में डाल दिया 150,000, इसके बाद मेरा जो क्लाइंट है इसका जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है 80DB में मेडिकल एक्सपेंडिचर है इसका 58,000, तो मैं इसमें डालूंगा सेल्फ फैमिली एंड इंक्लूडिंग पेरेंट्स। ओके, तो इनके 58,000 है मेडिकल एक्सपेंडिचर। तो इसमें हम डालेंगे 58,000। तो आप थोड़ा ध्यान से देखते रहेंगे, इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ प्लीज़ डोंट स्किप माय वीडियो।
आप ध्यान से देखते रहिए, मैं इसमें हर एक चीज़, हर एक डेटा आपको आपके सामने इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब ऑन ग्राउंड मैं सबमिट करके दिखाऊंगा, और उसके बाद दिखाऊंगा किस तरीके से रिटर्न होता है। जैसे इसका, इसमें 58,000 था, 58,000 डाल दिया। उसके बाद 80DC में, 80DC में मेरा जो क्लाइंट है उसका है 9,000। तो ये जो है सेल फैमिली एंड पेरेंट, मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इसमें वाला ही आपको 5,000 तक ही मिलेगा, मगर मेरा क्लाइंट ने 9,000 तक स्पेंड किया है, तो हम 9,000 इसमें सबमिट करेंगे। ओके, 9,000 सबमिट कर दिया। इसके बाद 80G रेंट, रेंट पेड, मतलब आप जैसे कि हम सभी को पता है, जो जो भी मेरा सोल्जर भाई लोग जो मतलब फील्ड एरिया में सर्विस कर रहे हैं या CICT में सर्विस कर रहे हैं, जिधर फैमिली अकोमोडेशन अलाउड नहीं है, तो उधर सर्विस कर रहे तो नेचुरल बात है, तो उनका फैमिली कहीं ना कहीं किराए पे रह रहा है, तो उस किराए को आप इसमें डालना है 80GG रेंट पेड। तो इसमें किराए ऑप्शन, इसमें 80GG में डालने के लिए दो ही तरीका है, या तो आप 50,000 रुपीज़ ईयरली स्पेंड कर सकते हैं और 5,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी मैक्सिमम 60,000 आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, तो सिक्सटी थाउजेंड हो गया। उसके बाद मेरा क्लाइंट कोड का ऑप्शन है 80DDB, जिसमें अपनी पेरेंट्स का कुछ स्पेशल, अगर कोई कोई स्पेशल स्पेसिफिक डिजीज है तो उसमें जो स्पेंड किया है वो ले सकते हैं। इसमें आप 1,00,000 तक ले सकता है, मैक्सिमम 1,00,000 तक आपको बेनिफिट मिलेगा, मगर मेरा क्लाइंट ने जो है 36,000 स्पेंड किया है, तो इसने 36,000 लिया है। ओके, मैक्सिमम आप 1,00,000 तक इसमें ले सकते हो। तो देखा आपने, जो जो एग्जेम्पशन मेरा क्लाइंट को लेना था हमने सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद हम अगर नीचे जाए तो आप देख सकते जो 1,006 रुपीज़ जो है इसका इनकम टैक्स बनता है, और हमने 26A में देखा था क्या, 37,491 रुपीस इसका इनकम टैक्स ऑलरेडी एडवांस में पेड हो चुका है, तो उसमें से 1,006 रुपीस उसको नहीं मिलेगा। अभी जैसे हमने इस पेज को कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने जैसे आपको पहले बताया था, सेम अपने नीचे जो एरो है, राइट एरो को क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं जो टैक्स डिटेल वाला पेज है, इसमें आप देख सकते हो जैसे आपका टैक्स, टोटल टैक्स डिडक्टेड 37,491 रुपीस उसका ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका था, मतलब एडवांस में CPC ले चुका था। अभी आप इसमें आप देखिए, ठीक है, 37,491 रुपीस। ओके, अभी नेक्स्ट में जैसे क्लिक किया हमने, आप इसमें देख सकते हैं जो 37,491 रुपीज़ ले चुका था, और जिसमें से 1,006 रुपीज़ अभी जैसे हमने टैक्स भरने की बाद, मतलब पूरा फाइलिंग प्रोसेस करने के बाद आपने देखा 1,006 रुपीज़ मुझे पेमेंट करना था, तो 1,006 रुपीज़ माइनस करके आप देखो इधर, आप देख सकते इधर 36,490 रुपीज़ इनका रिफंड हो रहा है। ये है रिफंड D12 माइनस D11, 36,490 रुपीज़ अभी इनका रिफंड हो रहा है। अभी इसमें आपको क्या करना है, इस पेज में आपका बैंक का IFSC कोड डालना है, उसके बाद बैंक नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, और उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डाल के उसके बाद और दो चीज़ करना है आपको, इसमें आपका सिलेक्ट में क्या करना है, आप खुद भरा है तो सेल्फ, और उसके बाद प्लेस डालना है आप जहाँ से भरा है। उसके बाद ये सब कुछ भरने के बाद आपको अगेन जो नीचे ग्रीन एरो है, राइट एरो को क्लिक करना है। ओके,
देखा आपने इसको भरा नहीं, इसलिए राइट एरो को एक्सेप्ट नहीं किया, अब इसको भरना है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आपने प्लेस डाल दिया और अपना सेल्फ डाल दिया, सॉरी, उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज में नहीं जाना है। उसके बाद आप देखिए नीचे तीन ऑप्शन है, प्लीज सिलेक्ट दी वेरिफिकेशन ऑप्शन, मतलब आप कैसे वेरीफाई करना चाहते हो। इसमें तीन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जो आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई। आप ई वेरीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव वैलिड आधार, अगर आपका आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो पहला वाला ऑप्शन है, और प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, अगर पहले से आपका बैंक अकाउंट को वैलिडेट किया गया, या प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है। अगर आपको ई वेरिफिकेशन करना है तो पहला वाला ऑप्शन है, और सेकेंड वाला ऑप्शन है जो मतलब आप अभी नहीं चाहते हो, 120 दिन के भीतर अगर ई वेरिफिकेशन करना चाहते हो वो है, और थर्ड वाला ऑप्शन ये है आप फिजिकल ई वेरिफिकेशन, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब आप अभी नहीं करोगे, आप आपका सबमिट करने के बाद ITR वी फॉर्म निकालोगे और उसको साइन करके बेंगलुरु का इस एड्रेस पे भेजोगे, ये है फिजिकल जो है ई वेरिफिकेशन, मतलब साइन करके आपको भेजना है। तो आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, तो मैं जो है अभी सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा, क्योंकि मैं बाद में ई वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। उसके बाद सेकेंड वाला ऑप्शन को क्लिक करके इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट, ओके। जैसे मैंने प्रीव्यू एंड सबमिट किया, तो प्रीव्यू का मतलब यह है आपने जितना अभी भरा है सब कुछ आपके पास आ गया है, और आपको उसको चेक करना है अपने सही आया है कि नहीं। मगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये चेक करना है, कभी कभी ऐसे होता है जो आप रिफंड आप तो भरा है मगर कई बाय मिस्टेक नहीं होता है, तो इसमें चेक करना है जो आपका जो रिफंड भरा था वो रिफंड आया है कि नहीं, सही में वो रिफंड हुआ कि नहीं, इसमें आप देख सकते हैं। नहीं तो कभी कभी अमाउंट पेएबल भी हो जाता है अगर सही तरीके से आप नहीं भरा है तो। इसमें देखिए रिफंड आया है मेरा 36,490 रुपीज़, ओके। अभी इसके बाद जैसे ही आपने देख लिया, उसके बाद क्या करना है, सबमिट करना है। अभी सबमिट करते आप देख सकते हो जो डाउनलोड ITR भी अब्ली एक्नोलेजमेंट, आप उसके लिए आपका जो ट्रांजेक्शन ID है वो भी आ गया, और ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी इसमें भी दिया हुआ है, इधर आपका जो ई फाइलिंग का कंप्लीट। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझने का कोशिश किया जो कितना आसान तरीके से हर एक सोल्जर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद भर सकता है। दोस्तों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ अभी एजेंट के पास जाना बंद कीजिए और खुद का फाइलिंग खुद कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो दो चार दोस्तों को शेयर कीजिए, और उनको भी बताइए जो किस तरीके से कितना आसान तरीके से आप खुद रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तो जून का महीना चल रहा है, 31 जुलाई तक आप इनकम टैक्स फाइलिंग का अल्टीमेट डेट है, शायद गवर्नमेंट इसके बाद पिछले साल जैसे इस साल भी एक्सटेंड कर दे तो शायद और भी टाइम मिल जाए, मगर उतना देर मत कीजिए। इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग खुद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।